क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा कल अपना ETS चल रहा था और मैंने आपको उसका आरेख बनाकर ब्लैक बोर्ड पर समझा दिया था। मैं आपको ये बोल रहा था पिछले वीडियो में कि बेटा इस आरेख को आप एक बार अपनी कॉपी में बना के और तब सारे पॉइंट्स को पढ़ना। तो इसमें केवल 7-8 पॉइंट है बेटा, तो आज अपन उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्रैश चक्र में बनने वाले NADH FADH2 का ऑक्सीकरण निम्न बिंदुओं के अंतर्गत होता है, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत होता है। अब बेटा एक तो बात आप ये सुन लो, देखो बेटा मेरी भी प्रॉब्लम होती है कि मैं अधिकतम आधा घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, इसीलिए आरेख तो आपको मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि जब भी आप आज वाले वीडियो को देखकर इसे याद करें तो आप अपनी रफ कॉपी में एक बार उस आरेख को बना लें, ठीक है। तो आपको सारी स्थिति यानी कि सारे पॉइंट्स जो आज आपको मैं बता रहा हूँ वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो कैसे स्टार्ट करते हैं देखिए, ये तो अपन ने सबसे पहले लिख दिया कि क्रैश चक्र में बनने वाले NADH2 व FADH2 का ऑक्सीकरण निम्न बिंदुओं के अंतर्गत होता है। अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्रैश चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रैश चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बनने वाले NADH2 का NAD+ dehydrogenase एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो आप देख सकते हैं बेटा अपने आरेख में कोने कोने में आपने NADH2 को NAD+ में परिवर्तित किया है और आपको मैंने बताया था कि वहाँ इस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रॉन FMN के द्वारा ग्रहण किया गया। तो वही बात आपके सामने मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूँ, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है बेटा। आगे चलिए, इस क्रिया में मुक्त इलेक्ट्रॉन संपूर्ण फर्स्ट द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है बेटा। आपको बता चुका हूं कि FMN संपूर्ण फर्स्ट में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। संपूर्ण फर्स्ट में FMN, पूरा नाम क्या है इसका, केमिन मोनो न्यूक्लियो
है, ये आपके सामने मैंने पहला पॉइंट लिख दिया। एक बार मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, क्रैब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बनने वाले NADH2 का NAD+ डीहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, किसमें? NAD में, ठीक है ना। देखो कोई लिखा है बोर्ड में, आगे चलिए। इस क्रिया में मुक्त इलेक्ट्रॉन संकुल फर्स्ट द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। संकुल फर्स्ट में FMN प्रोटीन पाई जाती है। FMN का पूरा नाम क्या है बेटा? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियो सॉल्यूट, FMN फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है बेटा। आगे चलिए पॉइंट नंबर दूसरे पर आइए। सक्सीनिक अम्ल के क्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन से, सक्सीनिक अम्ल के क्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन, सक्सीनिक अम्ल के क्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन FAD द्वारा ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। आगे चलिए। यह क्रिया संकुल सेकेंडरी की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया संकुल सेकेंडरी की उपस्थिति में होती है। तो ये बेटा पॉइंट नंबर दूसरा हो गया कि सक्सीनिक अम्ल के फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रॉन FAD द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। और आपने लिखा कि यह क्रिया संकुल सेकेंडरी की उपस्थिति में संपन्न होती है। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ बेटा, ये पूरी प्रक्रिया आपको तब समझ में बैठेगी जब आपके सामने चार्ट होगा। और बेटा मेरी मजबूरी ये है कि ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है और पिछले वीडियो में आपको मैं पूरी की पूरी आरेख ETS की ब्लैक बोर्ड पे बना चुका हूँ और आपको कह भी चुका हूँ कि बेटा जब भी आप ETS के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ें तो ETS का आरेख आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आपको मैं दो पॉइंट्स बता चुका हूँ, अब आइए पॉइंट नंबर थर्ड पे। FMN, देखो पहले पॉइंट में तो इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया था? FMN ने, FMN वे। दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन किसने भी ग्रहण किया था? FAD ने। FMN तथा FAD से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूल, बीच में लिखा हुआ है बेटा, इसका पूरा नाम क्या है? यूबीक्विनोन पूल, यूबीक्विनोन पूल को हो जाता है, ठीक है ना। FMN व FAD से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यूबीक्विनोन पूल को हो जाता है, जिससे यूबी क्यूनॉन पोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पूर्णतया अपचयन हो जाता है। तो ये आपके सामने पॉइंट नंबर थर्ड लिख दिया। क्या लिखा है बेटा इस तीसरे पॉइंट में?
तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि एफएमएन तथा एफईडी से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसको हो जाएगा, यूबी क्यूनॉन पूल को, और यूबी क्यूनॉन पूल इलेक्ट्रॉनों को दोनों जगह से ग्रहण करके पूर्णतया अपचयित हो जाता है। राइट बेटा, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पे। देखिए 4, इस प्रकार पूर्ण अपचय यूबी क्यूनॉन पूल, इस प्रकार पूर्ण अपचय यूबी क्यूनॉन पूल, पूर्ण अपचय यूबी क्यूनॉन पूल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संपूर्ण खर्ड, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संपूर्ण खर। और बेटा कल आपको मैंने लास्ट में जाते जाते संकुलों के बारे में भी बताया था, तो संपूर्ण खर क्या होता है, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी वन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संपूर्ण थर्म द्वारा साइटोक्रोम सी को कर देता है, साइटोक्रोम सी को कर देता है। अब बेटा इसी में अपन को साइटोक्रोम सी के बारे में कहना है, तो अपन क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर पाई जाने वाली एक गतिशील प्रोटीन है। इसीलिए बेटा आप आरेख में देख सकते हैं कि अपन ने उसे माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की बाहरी सतह पर दो बार लिखा है, चूंकि वो गतिशील प्रोटीन है और इस प्रोटीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम या यूं कह दो संकुल थर्ड से संकुल फोर में हो जाता है। वही मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, गतिशील प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संपूर्ण थर्म से संपूर्ण फोर में कर देती है। तो ये इस तरह से आपका पॉइंट नंबर 4 खत्म हो गया, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं। देखो बेटा इस पॉइंट में अपन ने क्या लिखा है कि यूबी क्यूनॉन पूर्ण रूप से अपचयित हो गया, तो आपने लिखा कि इस प्रकार पूर्ण अपचय यूबी क्यूनॉन पूल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संपूर्ण थर्ड द्वारा किसको कर देता है, साइटोक्रोम सी को कर देता है। अब साइटोक्रोम सी के बारे में बताया है कि साइटोक्रोम सी एक्चुअल में है क्या, तो आप बोलेंगे बेटा कि साइटोक्रोम सी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी भित्ति की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली एक गतिशील प्रोटीन है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संपूर्ण खंड से संपूर्ण कोर में कर देती है। तो इस तरह अपना ETS का पॉइंट नंबर 1 से खत्म हो गया 4। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ें तो ना आपको इसका आरेख एक पन्ने पे बना के अपने सामने रखना होगा, तभी आप इन बिंदुओं को समझ पाएंगे। और यदि किसी बच्चे को किसी बिंदु में समझने में दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। आगे चलिए,
पॉइंट नंबर पांच पे आ गए। ठीक है, पांचवे पॉइंट में अपन क्या बोलेंगे, संकुल फोर्से कोर में साइटोक्रोम ए एवं ए थ्री साइटोक्रोम ए व साइटोक्रोम ए थ्री ठीक है तथा दो कॉपर केंद्र पाए जाते हैं तथा दो कॉपर केंद्र पर इनके बारे में अपने आवेश में नहीं बताया। कॉपर केंद्र पाए जाते हैं इसमें बेटा संकुल कोर में, यहां से इलेक्ट्रॉन संकुल फाइव से जुड़कर या यूं कह दो यहां से इलेक्ट्रॉन संकुल फाइव पर पहुंचकर एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी अणु निर्मित करता है। चार से पांच में आ गया और पांच में आपको बता चुका हूं संपूर्ण पांच में आपने एटीपीएज एंजाइम लिखा है तो ये इलेक्ट्रॉन एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में एडीपी से जुड़कर एटीपी अणु निर्मित करता है। संपूर्ण फाइव के दो मुख्य घटक संपूर्ण फाइव के दो मुख्य घटक F0 व F1 होते हैं तो ये आपका पॉइंट नंबर पांचवा हो गया। और क्या लिखा है बेटा इस पांचवे पॉइंट में मैंने संकुल फोर में साइटोक्रोम ए एवं ए थ्री तथा दो कॉपर केंद्र पाए जाते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन संकुल फाइव पर पहुंचकर एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। संकुल फाइव के दो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं F0 एवं F1। ठीक है, आगे चलिए पॉइंट नंबर सिक्स में इस प्रक्रिया में बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता की प्रकृति पर निर्भर करती है और ये चीज आप पहले से जानते हैं बेटा। जैसे NADH2 के 1 मोल से 3 मोल एटीपी का उत्पादन होता है। ठीक है, इसी प्रकार FADH2 के 1 मोल से 2 मोल एटीपी का उत्पादन होता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो गया। क्या लिखा है इसमें, इस प्रक्रिया में बनने वाले एटीपी अणुओं का एटीपी अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है ना, देखो यदि 1 मोल NADH2 की बात करें तो उससे 3 मोल एटीपी अणुओं का और 1 मोल FADH2 की बात करें तो उससे 2 मोल एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है। ठीक है बेटा, अब केवल दो पॉइंट और आपके सामने इसमें बचे हैं तो अगला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, इस क्रिया में ऑक्सीजन पॉइंट नंबर 7 इस क्रिया में O2
अंतिम हाइड्रोजन ग्राही के रूप में कार्य करता है, मतलब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़कर जल के अणु का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे आप? अर्थात O2 हाइड्रोजन से क्रिया कर, अर्थात O2 हाइड्रोजन से क्रिया कर जल अणुओं का निर्माण करती है। तो बेटा जल भी बन गया, ATP अणुओं की उत्पत्ति भी हो गई, तो ETS की कहानी लगभग समाप्त हो गई। अब एक लास्ट चीज इसमें आपको और बतानी है, और कौन सी चीज बतानी है बेटा? कि चूंकि इस क्रिया में ATP अणुओं का निर्माण O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अतः इस संपूर्ण प्रक्रिया को यानी कि ETS को यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को ऑक्सीकीय फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो बेटा यहाँ आकर के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अर्थात ETS पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात निवेदित करता हूँ कि बेटा जब भी आप ETS की प्रक्रिया को पढ़ें या ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को पढ़ें या क्रैफ चक्र की प्रक्रिया को पढ़ें, तो ये सारी कहानियाँ आपको तब समझ में बैठेंगी जब आपके सामने इनके आरेख उपस्थित होंगे। ठीक है बेटा? तो बेटा आज आपका ये प्लांट रेस्पिरेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अपने फिजियोलॉजी में केवल दो लेसन बचे हैं, एक तो बचा है बेटा पादप वृद्धि और दूसरा बचा है प्रकाश संश्लेषण। तो इन दोनों में से एक नया टॉपिक